वारियर्स, वेलकम बैक टू माय स्पाइनल अराबी किचन। आज रमजान स्पेशल में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होममेड मैंगो फ्रूटी की रेसिपी, जिसको घर पर बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए सिर्फ आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी और इसको बनाने के लिए टाइम भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा। तो बहुत ही ईजी रेसिपी है इस मैंगो फ्रूटी की। और सबसे बड़ी बात, इसको आप तैयार करके इसको बॉटल में भर के इसको आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए, और इफ्तार के टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं ठंडा ठंडा। तो बहुत ही ईजी रेसिपी है, वीडियो का अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की आसान सी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज के पके हुए आम लिए हैं और एक साथ ही कच्चा आम लिया है बड़ा साइज का। होममेड फ्रूटी बनाने का ये मेजरमेंट एकदम बेस्ट है। अगर आप ये चीज़ बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि आप 6 बड़े साइज के पके हुए आम लेंगे, तो आपको यहाँ पर 2 बड़े साइज के कच्चे आम लेने हैं। तो बस एक सीधा सा मेजरमेंट है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो बस अब क्या करेंगे, ये जो हमारे आम है हमें इनके छिलके को अलग करना है। तो बस धीरे धीरे करके इन सभी आम के छिलके को आप अलग कर लें। छिलके को अलग करने के बाद आप एक बाउल ले लें और जो आम की गुठलियां हैं इनको अलग कर लें। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, क्योंकि हमें इसको पकाना है। तो ये जो हमारे आम हैं इनको हम पीसेस में कट करके अपने पैन या कढ़ाई में डाल देंगे। आम के पीसेस आप छोटे या बड़े अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। पीसेस में कट करने के बाद अब इसके अंदर डाल दें 1.5 कप पानी, 1 कप डाल दें चीनी। तो बस फ्रूटी बनाने के लिए फिलहाल हमें यही चीज़ें चाहिए। और अब इसको हम अच्छे से बॉईल करेंगे। तो इसको बॉईल करने के लिए हम इसको गैस पर रख देंगे और कढ़ाई को कवर कर दें, और जो मेरी गैस की फ्लेम है वो हाई पर है, और इन आम को हम 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे हाई फ्लेम पर। तो 10 मिनट हो गई है और जो हमारे आम है ये अच्छे से बॉईल हो गए हैं, और अब हम कवर हटाएंगे। और अब यहाँ पर आपको गैस को बंद कर देना है और जो ये आम है इनको पानी से अलग कर लें। आप चाहे तो एक बड़ा बाउल लेकर उस पर छन्नी रखकर इसको एक साथ पानी से अलग कर सकते हैं। तो बस अब इन आम को हम पानी से अलग कर लेंगे। तो मैंने इन आम को पानी से अलग कर लिया है और अब इसको हम अच्छे से ठंडा होने देंगे, क्योंकि हमें इसको ग्राइंड करना है। गर्म चीज़ आप कभी भी ग्राइंड ना करें। तो जैसे हमारे ये आम ठंडे हो जाएंगे हम इसको मिक्सी जार में डाल देंगे। तो ये आम ठंडे हो गए हैं, हम इनको मिक्सी जार में डाल देंगे। मिक्सी जार में डालने के बाद मिक्सी जार को कवर कर दें और इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से ग्राइंड कर लें, इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लें। तो मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और अब आपको मैं दिखाऊंगी। ये देखिए, इसकी एकदम परफेक्ट मैंगो प्यूरी बन गई है। और अब इसको हमें छानना है। तो आप एक छन्नी ले लें और इस आम के पेस्ट को अच्छे से छान लें। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं आपकी फ्रूटी में कोई लम्स ना आए, तो आप इसको अच्छे से छानें। तो बस चम्मच से इसको प्रेस करते रहें और इसको छानते रहें। मेहनत ज़रूर लगेगी लेकिन रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैंने इसको अच्छे से छान लिया है और अब फाइनली मैंगो फ्रूटी तैयार करने के लिए मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ठंडा पानी। आपको भी यहाँ पर ठंडा पानी यूज़ करना है। तो मैं अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड करती रहूँगी और इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स करती रहूँगी। आप हैंड मिक्स से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंगो फ्रूटी की जो कंसिस्टेंसी है आप अपनी पसंद के हिसाब से थिन या थिक रख सकते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप उतना ही पानी ऐड करें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो मेरी पसंद के हिसाब से मैंगो फ्रूटी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। और ये जो मैंगो फ्रूटी है ये लगभग 6 बड़े ग्लास बनकर तैयार हुई है। और
अब यहाँ पर आप इस मैंगो फ्रूटी को फ्रिज में रख सकते हैं ठंडा करने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए। अगर आपको मैंगो फ्रूटी को और भी ज़्यादा ठंडा करना है आप इसके अंदर आइस क्यूब्स डाल सकते हैं। सिर्फ टाइम टेबल की वजह से ही मैंने सिर्फ इसके अंदर ठंडा पानी ऐड किया है, मैं फ्रिज में नहीं रख रही हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, लेकिन आप इसको ज़रूर फ्रिज में रखें। तो बस अब इस यम्मी यम्मी सी मैंगो फ्रूटी को हम अपने ग्लास में सर्व करेंगे। तो चलिए सर्व करते हैं। ये देखिए घर की बनी हुई मैंगो फ्रूटी जैसे हमने ग्लास में सर्व की है, ये कितनी ज़्यादा यमी लग रही है और कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो व्यूअर्स हमारी यम्मी यम्मी से मैंगो फ्रूटी बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी ये रमज़ान स्पेशल की वीडियो अच्छी लगी है लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।